दोस्तों आज भी निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाला हमने स्कैल्पिंग करके। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमने सपोर्ट का निकाला हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही लेवल मैंने सारे ड्रॉ करके रख लिए हैं। यहाँ पे ये जो सारे लेवल है रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाले हैं और ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट के जैसे काम करने वाले हैं। यहाँ पे समझ लीजिए बैंक निफ्टी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है मैंने ओपन किया हुआ है। ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग होकर थोड़ा सा गैप ओपनिंग होकर ओपन हो जाती है। तो हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, अगर 39,561 का लेवल ब्रेक कर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस है 40,400 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 40,676 का, तीसरा रेजिस्टेंस है 41,210 का। समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होकर ओपन हो जाती है। तो पहला सपोर्ट हमारे पास 39,189 का है, दूसरा सपोर्ट है 38,867 का, तीसरा सपोर्ट है 38,505 का। समझ लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर यहाँ पे कोई बुलिश कैनल इस तरह से बनाती है 15 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही हम सी साइड बैठेंगे। पहला हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 39,189 का, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे 30 से 40 पॉइंट का और ऊपर कॉल साइड एंट्री लेंगे। यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस 39,561 का, तीसरा रेजिस्टेंस डायरेक्टली होने वाला है 40,400 का, चौथा रेजिस्टेंस है 40,676 का और पाँचवा रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। समझ लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर कोई बेरिश कैंडल इस तरह से बनाती है 15 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है पुट साइड बैठेंगे हम 30 से 40 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। पहला हमारा सपोर्ट है 38,867 का, दूसरा सपोर्ट है 38,505 का। बैंक निफ्टी समझ लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई इस तरह से, कोई बेरिश कैंडल बनाती है 15 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है हम पी साइड बैठेंगे। यहाँ पे दूसरी तीसरी कैंडल पे 40,400 के पास अगर ओपन होके बेरिश कैंडल बनाती है तो, और यहाँ पे पहला सपोर्ट है 39,561 का, 39,189 दूसरा सपोर्ट रहेगा, 38,867 तीसरा सपोर्ट रहेगा, 38,505 का हमारा चौथा सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी समझ लीजिए गैप ओपनिंग होके कोई बुलिश कैंडल इस तरह से बनाती है, अपसाइड निकलने की कोशिश करती है, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का लगा के हम कॉल साइड बैठेंगे। पहला रेजिस्टेंस है 40,400 का, 40,676 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, 41,210 का हमारे लिए तीसरा रेजिस्टेंस है। तो ये थे लेवल दोस्तों बैंक निफ्टी के। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा टेलीग्राम मेंबर के साथ हमने प्रॉफिट निकाला है। निफ्टी में देख लेते हैं क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। ये सारे लेवल आपको रेजिस्टेंस के जैसे अपने चार्ट में मार्क करने हैं, ये सारे लेवल हमारे लिए सपोर्ट के जैसे काम करेंगे कल के दिन। वीडियो के बीच में मैं एक टिप बताने वाला हूँ, जो टिप को सुन के आपको कल के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना है मार्केट से, टिप आपको बहुत ही यूज़फुल हो सकती है मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए। निफ्टी में भी मैंने लेवल ड्रॉ करके रख लिए है दोस्तों, आपको ये सारे लेवल दिखाई दे रहे होंगे तो आप अपने चार्ट में भी मार्क करके रख लीजिए। निफ्टी में ये जो सारे लेवल दिख रहे हैं रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाले हैं यहाँ तक के, और ये जो सारे लेवल है वो सपोर्ट के जैसे काम करने वाले हैं, तो आप अपने चार्ट में मार्क करके रख लीजिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। यहाँ पे निफ्टी समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग होकर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होकर ओपन हो जाती है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी निफ्टी, हमारे पास पहला जो सपोर्ट है 16,884 का है, दूसरा सपोर्ट है 16,767 का। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो गई या थोड़ा सा गैप ओपनिंग होकर ओपन हो जाती है। पहला रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 17,180 का, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास 17,299 मतलब 300 के आसपास का रेजिस्टेंस है ये, और 17,465 का तीसरा रेजिस्टेंस है, तो चौथा रेजिस्टेंस है 17,586 का। यहाँ तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। समझ लीजिए निफ्टी गैप ओपनिंग हो गए यहाँ पे कहीं पे, या यहाँ पे कहीं पे गैप ओपनिंग हो के ओपन हो जाते हैं। जैसे ही पुट साइड आने की कोशिश करेगी हम 20 से 30 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला हमारा जो सपोर्ट हो जाएगा निफ्टी में 17,180 का लेवल, दूसरा सपोर्ट है हमारे पास 16,997 का लेवल, और यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है 16,884 का लेवल, चौथा सपोर्ट हमारे पास है 16,767 का लेवल। समझ लीजिए निफ्टी यहाँ पे गैप ओपनिंग होकर कोई बुलिश कैंडल बनाती है 15 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही हम कॉल साइड बैठेंगे। नीचे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के पहला हमारा जो टारगेट है 17,299 का है, दूसरा टारगेट है 17,465 का लेवल, तीसरा हमारे पास 17,586 का टारगेट है। तो ये थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। आई बटन में जो भी वीडियो दे रखी है मैंने वो आपको ध्यान से देखनी है, आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है। बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो पेड कोर्स में भी नहीं सिखाई जाती है दोस्तों, वो मैंने वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई बटन में जो वीडियो नहीं मिलेगी वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में टिप क्या निकल के आ रही है।
बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं आरएसआई मैंने लगा रखा है यहाँ पे। आरएसआई में ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी अब तक पहुँचा नहीं है, तो हो सकता है फिर से डाउन साइड आने की कोशिश कर दे यहाँ पे बैंक निफ्टी। और हम पुट साइड ही यहाँ पे व्यू लगा के बैठे हैं। बैंक निफ्टी में मैं 40,200 के ऊपर ही बुलिश होंगी, तब तक मैं बेरिश ही हूँ। यहाँ पे छोटा मोटा टारगेट हम स्कैल्पिंग करके अचीव कर सकते हैं। अगर 40,200 तक बैंक निफ्टी स्लोली स्लोली आती है तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं कर सकते। तो जब तक आर एस आई यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में नहीं पहुँचाता तब तक मैं बेरिश हूँ यहाँ पे। और निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है, आर एस आई क्या बोल रहा है। आर एस आई यहाँ पे बता रहा है ओवरसोल्ड जोन में निफ्टी भी नहीं पहुंची है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर ओवरब्रोथ जोन में पहुंच जाएगी तो हम यहाँ से पुट साइड प्लान करेंगे निफ्टी में भी। निफ्टी में मैं यहाँ पे 17,500 के ऊपर ही बुलिश होंगी, तब तक मैं बेरिश हूँ निफ्टी में। तो ये था दोस्तों कल के लिए टिप निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आरएसआई और हेकेनेसी की स्ट्रैटेजी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आप ज़रूर जाके देखिए। लाइव मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल के देती है। तो लेवल आपने सब मार्क कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो को बैक जाके फिर से देख लीजिए और लेवल को मार्क करके रख लीजिए। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई बटन में जो भी वीडियो दे रखी है आप उसको ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो है और बहुत ही नॉलेज मिलेगा आपको मार्केट के बारे में। उन वीडियो में जो पेड कोर्स में नहीं सिखाई जाती है स्ट्रैटेजी, वो मैं आपको आपके लिए लेके आती हूँ वीडियोस में, तो आप ज़रूर जाके देखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के साथ ज्वाइन होके आप हमारे साथ डेली लाइव मार्केट एनालिसिस सीख सकते हैं और डेली प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। आरएसआई के बारे में वीडियो में लेके आने वाली हूँ स्ट्रैटेजी की, जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल के दे सकती है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। वीकेंड में मैं आपके लिए वो स्ट्रैटेजी लेके आ जाऊँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो होते हैं वो आरएसआई का यूज़ करते हैं लाइव मार्केट में, तो वो स्ट्रैटेजी भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। ये सारे वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, इसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा मार्केट के बारे में, तो इन वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आई बटन में नहीं मिलेगी तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के कल के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सके और उनको भी मार्केट के बारे में कुछ सीखने को मिले, नॉलेज मिले। इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, कि आप मार्केट को सीख पाएँ, एनालिसिस करना सीख पाएँ और मार्केट को समझ पाएँ और अच्छा खासा प्रॉफिट आप खुद के दम पे ले निकाल पाए मार्केट से। तो यही था दोस्तों वीडियो में, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।